हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल कंट्रोल। ओके, तो इंटरनल कंट्रोल क्या है? इंटरनल कंट्रोल इज मैंड नॉट ओनली इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, मतलब इंटरनल चेक इंटरनल ऑडिट नहीं करना, बट होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, पूरा फाइनेंशियली सिस्टम कंपनी का कंट्रोल करना, चेक करना फाइनेंशियल और अदरवाइज बाई इस्टेब्लिशमेंट, मतलब कंपनी कैसे चलती है, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ जाता है, और उसका कंपनी का एसेट भी बचा रखे रखना और कहाँ से पैसा आता है, राइट। तो इंटरनल कंट्रोल करते वक्त कंपनी क्या देखती है? टू कंट्रोल द बिजनेस इन ऑर्डरली एंड एफिशिएंट मैनर, ताकि बिजनेस का सब सही तरीके से सिस्टमेटिक चल रहा है कि नहीं। टू प्रोटेक्ट द एसेट ऑफ द बिजनेस, मतलब जो भी बिजनेस का एसेट है उसका ध्यान रखा जाता है, ताकि उसका वेस्ट ना हो, इनएफिशियंसी ना हो, उसके ऊपर लापरवाही ना हो, केयरलेसनेस नहीं होना चाहिए। टू इंश्योर दैट पॉलिसी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है मैनेजमेंट बना रहा है वो सब बराबर फॉलो कर रहे हैं। जब भी कंपनी में फाइनेंस के रिलेटेड एरर है, फ्रॉड है, वो ऑडिटर ढूंढता है इंटरनल कंट्रोल में। टू एंश्योर दैट, ये भरोसा दिलाता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर एक्यूरेट एंड रिलायबल, जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड है प्रॉपर रिकॉर्ड हो रहा है और सही तरीके से, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर इन टाइम। तो इंटरनल कंट्रोल डजेंट मीन टू कंट्रोल ओवर फाइनेंस ओनली, ये सिर्फ पैसा पे नहीं ध्यान देता है, इट्स स्कोप इज वाइडर, मतलब इट इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ कंट्रोल, मतलब जिसमें मैनेजमेंट को भी कंट्रोल करेगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी, नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी, मतलब इसके अंदर इंटरनल कंट्रोल के अंदर इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट आता है, सिंपल। तो इंटरनल कंट्रोल में सबसे पहला ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ये आएगा तुम्हारा, व्हाट आर द ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल, है ना। तो ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी की जो जो उसने इस्टेब्लिश किया रूल्स एंड रेगुलेशन वो सब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो देखने का। फिर ऑडिटर फॉर इवैल्यूएशन, तो ऑडिटर ड्यूटी क्या है? इज टू स्टडी द सिस्टमेटिक चेक, ऑडिटर क्या करेगा? कंपनी का बराबर चेक करेगा वेदर सिस्टम वॉज एक्चुअली इन ऑपरेटिंग, का बिजनेस बराबर चल रहा था कि नहीं चल रहा था, चल रहा था तो कैसे चल रहा था, हाउ मच यू कैन रिलाय अपॉन इट, मतलब इस पर कितना डिपेंड रहेगा वो। फिर इवैल्यूएशन करना, इवैल्यूएशन मतलब होता है चेक करना, कंट्रोल करना। तो इवैल्यूएशन कैसे होता है? तीन तरीके से होता है, राइट। तो पहले क्या दे रहा है? इस्टेब्लिश रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मतलब जो भी इंटरनल कंट्रोल है प्रॉपर ऑथोराइज होना चाहिए, पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन सेफ गार्ड होना चाहिए, जो अपने आगे डिस्कस किया वो पूरा उठा के डालता है ऑब्जेक्टिव। एंड डिसाइड व्हाट व्हेन हाउ एंड हाउ मच टू चेक, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटेल वाउचिंग, मतलब पूरा डिटेल में तो चेक नहीं कर सकते, तो डिटेल ऑडिट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी व्हेन अकाउंट्स आर कंप्यूटराइज, पूरा कंप्यूटराइज हो गया ना तो डिटेल चेक नहीं कर सकते। इन सच केसेस स्टडी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जो इंटरनल कंट्रोल है हेल्प करता है ऑडिटर को टू डिसाइड द नेचर, टाइमिंग, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, जिससे काम आसान हो जाए, राइट। इफ द इंटरनल कंट्रोल आर रिलायबल देन ही कैन यूज टेस्ट चेक, मतलब ऊपर से चेक करेगा। फिर इवैल्यूएशन का अलग अलग सिस्टम है, अंडरस्टैंड दी सिस्टम, मतलब कैसे रिकॉर्ड होता है, कहाँ से एंट्री आती है, फिर उसके ऊपर लोग क्या करते हैं, डिटेल में चेक करते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल से पूरा कंपनी का फाइनेंस, नॉन फाइनेंस मैटर, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सब क्या करता है? कंट्रोल रहता है, एकदम चेक रहता है, कितना खर्चा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है ना, कितना खर्चा हो रहा है, कितना पैसा जा रहा है, सब एसेट का ध्यान रखना, और सबकी जो भी परफॉर्मेंस है, ड्यूटी और फंक्शन, हर एक डिपार्टमेंट बराबर कर रहे हैं, प्रॉपर पर्सनल चेकअप होता है, रिव्यू होता है, चेकिंग होता है, ये सब टॉपिक तुम लोग उठा के डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर तुम लोग ये भी एक्सप्लेन करा सकते हैं, क्या करा सकते हैं, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट भी तुम लोग डाल सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल के अंदर ही आता है ये सब। ओके, ये तुमको ध्यान देने का था, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।